खबर है मेरठ से, जहां सरदना थाने पर मंजिल सैनी का बस नहीं चलता। जी हां, सरदना थाने का इंस्पेक्टर एसएसपी की नहीं मानता है। खिसियाई एसएसपी ने कहा कि चूड़ियां पहन लो। धर्मेंद्र राठौर नाम है इसका, जो सरदना थाने का दरोगा है। संगीत सोम के इशारे पर ही चलता है थाना। एसएसपी मंजिल सैनी राठौर को हटा नहीं सकती है। सरदना इंस्पेक्टर धर्मेंद्र राठौर की एक और करतूत सामने आई है। वर्दी में पहले तो संगीत सोम के पैर भी छूता है ये, और उसके बाद उनके गुर्गों को छोड़ भी देता। सस्पेंड करने का हौसला दिखाएंगी क्या मंजिल सैनी, ये बड़ा सवाल है। मैम उन्होंने कहा था, मैंने पूछा था उनसे, उनका था आधे घंटे बाद छोड़ देना। कैसे छोड़ दिया मैम उन्होंने कहा था, मैंने पूछा था उनसे, उनका था आधे घंटे बाद छोड़ देना। चूड़ियाँ पहन लो और भेजती हूँ। खाकी और खादी की सेटिंग के किस्से पुराने हैं। मेरठ के सरदना में थाना प्रभारी धर्मेंद्र राठौर ने एक बार फिर इस पर मोहर लगाई है। कल निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान में गड़बड़ी की खबर के बाद पुलिस ने संगीत सोम के समर्थकों को हिरासत में लिया था, लेकिन बिना कार्रवाई के ही छोड़ दिया। इस पर एसएसपी मंजिल सैनी इस कदर तिलमिला गई कि थानेदार साहब को चूड़ी पहनने की नसीहत दे दी। अपने बेडौल से शरीर को खाकी से ढककर कर्मठता और जुजारूपन का घिनौना ड्रामा करने वाला ये शख्स पुलिस के नाम पर धब्बा है। एक ऐसा धब्बा जिसे महंगे से महंगे वॉशिंग पाउडर से धोकर भी साफ किया नहीं जा सकता। ये खादीधारी संगीत की धुन पर नाचने को तैयार रहता है। अपना ईमान बेच चुका ये दरोगा मेरठ के सरदना थाने में तैनात धर्मेंद्र राठौर है, जिसने अपना सर और कानून दोनों विधायक के कदमों में रख दिए कि लीजिए साहब, कुचल दीजिए, कानून भी और खाकी भी। ये सैलरी तो सरकार से लेता है, लेकिन ड्यूटी निभाता है विधायक की। सरदना से बीजेपी विधायक संगीत सोम के रसूख के आगे इसने अपना ईमान नीलाम कर दिया। एक कार्यक्रम में पहुंचे संगीत सोम के हाथों से सम्मानित होने पर उनके चरणों में लेटने लगा, और इस सम्मान को लौटाने का जब वक्त आया तो इस बिकाऊ दरोगा ने बखूबी निभाया भी। दरअसल आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे संगीत सोम के समर्थकों को थाने लाया, चाय नाश्ता कराया और आधे घंटे बाद बड़ी अदब से उनकी विदाई भी की, जिसके बाद मौके पर पहुंची एसएसपी मंजिल सैनी नाराज और मजबूर दोनों नजर आई। कैसे छोड़ दिया मैम उन्होंने कहा था, मैंने पूछा था उनसे, उनका आधे घंटे बाद छोड़ देना। छोड़ने का आदेश उन्होंने दिया, उन्होंने किसने, ये बात दरोगा और एसएसपी दोनों जानते हैं, जिस पर तिलमिलाई मंजिल सैनी ने चूड़ियां पहनने की नसीहत दे दी है, लेकिन बड़े नर्म लहजे में। इसके बाद भी इस बेशर्म और निकम्मे पुलिस वाले को शर्म नहीं आई। सीना चौड़ाकर खड़ा एसएसपी से निगाहें मिलाता रहा, क्योंकि जानता है कि जिस बाप के आशीर्वाद से पाप पर पाप किया जा रहा है, वो एसएसपी को इतनी हिम्मत नहीं देता कि वो इस बेगैरत के खिलाफ कार्रवाई कर सके। फिलहाल अपने बाप के गुर्गों पर मेहरबानी करके इस धर्मेंद्र राठौर ने अच्छा बेटा होने का सबूत दे दिया है, लेकिन इसके मुंह बोले बाप की ताकत को आला अधिकारी भी जानते हैं और निर्वाचन आयोग के अधिकारी भी। इसलिए संगीत सोम के गुर्गे खुलेआम घूम रहे हैं, और ये दरोगा अब भी अपने शरीर पर खाकी पहने बैठा सभी को मुंह चिढ़ा रहा है। किसी की हिम्मत नहीं कि इसके कांधे पर लगे सितारे को नोच लें और इसे नौकरी से पैदल कर सके। योगी के कानून राज में सरेआम निर्वाचन नियमों की धज्जियां उड़ी, पुलिस विभाग की मर्यादा तार तार हो गई। दरोगा धर्मेंद्र राठौड़ ने अपनी थानेदारी के चक्कर में पुलिस की खाकी को
खादी के चड़ों में गिरवी रख दिया। सवाल ये है कि निर्वाचन विभाग और पुलिस विभाग को ये सब दिखाई नहीं देता या फिर जानबूझकर हकीकत का कड़वा घूंट पिया जा रहा है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।